अगली खबर में बात करते बिहार की, जहां बिहार के बगहा में 9 महीनों में 9 लोगों की जान लेने वाले बाघ को शूटर्स ने ढेर कर दिया। उसकी 26 दिन से तलाश हो रही थी। शनिवार को उसे गोवर्धन थाना इलाके के बलुआ गांव के खेत में घेरा गया। इसके बाद शूटर्स ने उसे 4 गोलियां मारी। उधर से बाघ के दहाड़ सुनाई दी। इसके बाद टीम तीन ओर से खेत में दाखिल हुई। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के इस बाघ ने शनिवार को भी मां बेटे के ऊपर हमला किया। बीते 3 दिनों में इस बाघ के हमले में 4 लोग घायल हुए। बाघ के पैरों के निशान के बाद एक्सपर्ट की टीम को यह यकीन हो गया कि वो गन्ने के खेत में छिपा है। इसके बाद उस खेत की चारों ओर से जाल के माध्यम से घेराबंदी की गई। इसके बाद राइफल से लैस टीम हाथी पर सवार होकर गन्ने के खेत के अंदर गई। वहां पहुंचते ही बाघ पर टीम की नजर गई और उस पर फायरिंग की गई। टीम ने बाघ को 4 गोली मारी। इसमें से 2 गोली उसे लगी और बाघ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बाघ ने 9 महीने में 10 लोगों पर हमला किया था। इनमें से 9 लोगों के साथ दुर्घटनाएं हुई। शुक्रवार की सुबह बाघ ने माँ बेटे पर भी हमला किया था। बीते 3 दिनों में बाघ के 4 लोग शिकार हुए थे। कल ही बाघ को मारने के आदेश जारी हुए थे। बताया जाता है कि मारे गए बाघ के पिता T5 की मुलाकात वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के हरनाटांड वन क्षेत्र में T-34 से हुई। इस दरमियान T-34 मां बन गई। चूंकि पिता T-5 की टेरिटरी वन के बाहरी हिस्से की तरफ थी, ऐसे में अपने बच्चों को T-5 से बचाने के लिए गन्ने के खेतों में T-34 लेकर रहने लगी। इस दरमियान बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। युवा अवस्था में आने के बाद T-34 अपने बच्चों के लिए टेरिटरी बनाकर दूसरे सावक के साथ अलग क्षेत्र में चली गई। इस प्रकार इस सावक का नाम T-105 पड़ा था।